नमस्कार दोस्तों, हीलिंग्स विद फीलिंग्स चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक नी एक्सरसाइजेस। नी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? अब जो लोग जिनका बहुत ज्यादा स्टैंडिंग वर्क है, ठीक है, अब जो घर से काम से घर पे आते हैं एंड दे बेसिकली कंप्लेन कि हमारे घुटनों में थकावट फील हो गई है, राइट? तो उसके लिए मैंने बेसिक छोटी छोटी नी एक्सरसाइजेज है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये आप जरूर अपने घर पे प्रैक्टिस करें। और अभी तो वैसे ही लॉकडाउन का टाइम पीरियड जैसे हो रहा है, तो यू हैव अबंडेंट टाइम टू प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेज एट होम, तो डू प्रैक्टिस। ये रिकमेंडेड है बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए। कोई भी एज ग्रुप के पेशेंट्स ये वाली एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नी एक्सरसाइजेस करने के लिए जिस चीजों की हमें घर पे जरूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ, और हमारे घर पे ये रेडीली अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे बड़ा टॉवल, ठीक है? ये आप साइज देख लीजिए। इससे हमने अब टॉवल रोल बनाना है, तो इसका क्या करेंगे, ऐसे इसको पहले सेकेंड फोल्ड कर लीजिए, राइट, और फिर इसको आप थर्ड फोल्ड कर लीजिए। अब आप देख लीजिए, अगर आपके घर पे कोई ये ऐसा सॉफ्ट पिल्लो सा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट कुशन टाइप्स ये होते ही हैं, नहीं तो आप कोई बेडशीट भी फोल्ड करके डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने ये इसके बीच में डाल ली है, ऐसे इस तरह से डाल ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोल बना लेना है, ऐसे अच्छी तरह से इसका रोल बना लीजिए। इस तरह से रोल बना लिया। और अब देख लीजिए, हमारे घर में शू लेस भी होते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं कोई स्ट्रिंग होता है घर पे, तो इस तरह से हम इसको टाई कर लेंगे। टाई इतने अच्छे से करना है कि इसका जो ये रोल है ये हमें बिल्कुल भी निकले ना। इस तरह से इसको मैंने बिल्कुल एडजस्टिंग नॉब में बना लिए। इस तरह से एक साइड पे ये बना लीजिए और दूसरी साइड पे इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका टॉवल रोल रेडी है, जो आपने नी एक्सरसाइजेस के लिए यूज करना है। इसको अपने सोते हुए अपने बेड के पास रख लीजिए आप, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। और अब नहीं तो इसकी जगह पे आप जो होता है, हम लोग सॉफ्ट पिल्लोज या फिर सॉफ्ट कुशन्स भी रख सकते हैं, ये है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप टॉवल रोल ही यूज करें, राइट? तो अब कैसे एक्सरसाइजेज आगे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले टॉवल रोल उठाएं और सबसे पहले अपने नी के नीचे प्रेस करें और उसके बाद सीधा लेट जाएं। इसमें आपने ये श्योर जरूर करना है कि आपकी एड़ी नहीं उठनी चाहिए। सबसे पहले आपके घुटने के नीचे टॉवल रोल हमने प्रेस कर दिया। अब मैं 10 काउंट करूंगी तो ये आपकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने सबसे पहले अपने घुटने के नीचे रखी थी। अब इसी टॉवल रोल को उठाएं और इसको अपनी थाई मसल के अंडर रख दें, राइट? थाई मसल के अंडर रख दें। इसी तरह से फिर से प्रैक्टिस करें। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। क्या करना है, इसको टॉवल रोल को अपने घुटने के नीचे रख के फिर आप अपनी हाफ लेग उठाएंगे और आपका पंजा अंदर को जाएगा, जैसे लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इसी तरह ही ये सारी एक्सरसाइजेस कम से कम आप स्लोली 10 रेपिटेशंस में सुबह और रात को प्रैक्टिस करें। अब यही टॉवल रोल को आप अपनी हील के नीचे रखें, अच्छे से हील के नीचे प्रेस कर लें, राइट? अब इसको फिर से प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। फिर प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपने अपने हील के नीचे जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके जो भी क्वाड्रिसेप्स, जो हमारा थाई का ऊपर वाला मसल होता है और जो पीछे वाला मसल है हैमस्ट्रिंग, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये है हमारे टॉवल रोल की एक्सरसाइजेस। अब आपने क्या करना है, इसी टॉवल रोल को उठा के अपनी दोनों लेग्स फोल्ड करके इस तरह से अपने थाइस के बीच में प्रेस करके, इसको बोलते हैं एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग। अब इसको 10 सेकेंड्स प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। अगेन प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कई बार क्या होता है, घरों में हमारे बच्चों के पास बॉल्स तो होती ही हैं। अगर आपको कुशन से कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो यू कैन यूज दिस बॉल ऑल्सो। इसको हम बोलते हैं स्विस बॉल या फिर जिम बॉल। इसमें मैं एक बात का रिकमेंडेशन जरूर दूंगी कि जिन लोगों का वेट ज्यादा है तो वो लार्ज साइज की लें, और जिनका वेट मीडियम है तो वो मीडियम साइज की भी इस स्विस बॉल को घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और अब आप इसी बॉल पे जैसे 10 मिनट्स आपने रख लिए तो आप अपने पैरों को इस तरह से हिलाएं। इससे क्या होगा, एंकल पंप एक्सरसाइज है। इससे क्या है, आपकी लेग्स का जो पंपिंग एक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लेग्स पे सर्कुलेशन भी स्टार्ट होएगा और आप महसूस करेंगे द मोर यू आर प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज योर लेग्स आर गेटिंग मोर रिलैक्स्ड। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम काम से घर पे आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी टांगे बहुत ज्यादा हैवी हो गई हैं। हैवीनेस की प्रॉब्लम हम लोग ज्यादा बोलते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी टांगों में मतलब बहुत थकावट हो गई है। तो आपने क्या करना है, घर पे आपके 3 कुशन्स होते ही हैं या फिर 3 पिल्लोज लेके आपने अपने लेग्स को इस तरह से रख लेना है। ये आप रखेंगे पूरे 15 मिनट्स। इससे क्या है, एक तो आपकी लेग्स को रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा आपके लेग्स की अगर कोई स्वेलिंग है या कोई भी टायर्डनेस है वो भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये आपने कम से कम मैक्सिमम 15 मिनट्स तो रखने ही रखने हैं। तो ये है हमारे टॉवल की बेसिक एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई हैं। आप अपने कंफर्ट लेवल पे जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है ये एक्सरसाइजेस जरूर करें, चाहे आप नी का ऑपरेशन करवाएं चाहे आप ना करवाएं। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर